नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत का मित्र रूस अचानक भारत से क्यों हो गया है नाराज और भारत के लिए रूस ने क्या कहा है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हाल फिलहाल में भारत और रूस के बीच में एक बहुत बड़ा बवाल हो चुका है, जिससे भारत का मित्र रूस भारत पर आग बबूला हो गया है। वैसे तो दोस्तों, भारत और रूस काफी अच्छे मित्र देश हैं और कभी कभी तो भारत और रूस पूरी दुनिया को चौंका देते हैं और दोस्ती में कुछ ऐसा काम कर डालते हैं कि पूरी दुनिया शॉक में आ जाती है। परंतु अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है, जिससे रूस भारत से खफा है। दरअसल आप सभी जानते होंगे कि यूक्रेन और रूस के बीच में विवाद है और हाल फिलहाल में यूक्रेन के बॉर्डर पर रूसी सेना तैनात है, जिसमें रूस ने कई हजारों की संख्या में टैंक और अपने सैनिकों को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात करके रखा हुआ है। और दोस्तों, इसको लेकर भारतीय मीडिया ने कवरेज करी थी कि यूक्रेन में किस प्रकार से रूसी टैंक और जो रूसी सैनिक हैं वो देखे गए हैं, क्योंकि दोस्तों दुनिया के कई सारे जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो ऐसा मानते हैं कि यूक्रेन के खिलाफ रूस जंग की तैयारी कर रहा है। और दोस्तों, ऐसा अमेरिका ने भी बोला था कि यदि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश करी तो रूस को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और दोस्तों, रूस की इस कार्यवाही को भारतीय मीडिया ने जोरों शोरों से कवर किया था, जिसके बाद रूस का जो विदेश मंत्रालय है वो भारत की मीडिया पर भड़क उठा है और रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से ऐसा बयान निकल के सामने आया है कि जो भारत का मीडिया है वो यूक्रेन को लेकर पूरा सच नहीं बता रहा है और आधा अधूरा सच भारतीय मीडिया ने दुनिया के सामने रखा है। हम भारत सरकार से ऐसी उम्मीद रखते हैं कि भारत हमारे बारे में वैसा नहीं सोचता है जैसा कि उसकी मीडिया बता रही है। और इसके साथ ही यूक्रेन हमारे एक भाई की तरह है और हम अपने भाई पर ही भला हमला क्यों करेंगे। और दोस्तों, इसके पश्चात एक और बड़ा कांड हो गया। अभी कजाकिस्तान के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा और वहां पर रूसी सेना पहुंच चुकी है और इसको लेकर फिर से इंडियन मीडिया ने कवरेज दी, जिसमें फिर से इंडियन मीडिया के माध्यम से कजाकिस्तान में रूस को लेकर कुछ ऐसा दिखा दिया गया, जिसके चलते रूस की जो एम्बेसी है भारत में उसने अपनी सफाई पेश करते हुए कि भारत ने एक बार फिर से आधा अधूरा सच दिखाया है और कजाकिस्तान में जो रूसी सेना गई है उसका मकसद किसी भी देश में अस्थिरता लाना नहीं, बल्कि जो कजाकिस्तान में स्थिति बिगड़ चुकी है उसको कंट्रोल में लाना है। और कजाकिस्तान से एक एग्रीमेंट के चलते रूस को अपनी आर्मी को कजाकिस्तान में उतारना पड़ा और इसका एक ही मकसद है कि कजाकिस्तान में एक बार फिर से शांति की स्थिति बहाल करी जाए। और इसके बाद में रूस की तरफ से ऐसा बयान भी दिया गया कि भारत के समक्ष रूस ने यह केवल तथ्य पेश किए हैं ताकि रूस चाहता क्या है यह मंशा भारत के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाए, जिससे भारतीय मीडिया दोबारा से रूस के खिलाफ ऐसी कवरेज ना करे। खैर दोस्तों, आप सभी किस टॉपिक पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में राय बस दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।